हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो आपको इसमें क्या क्या लक्षण देखनी चाहिए। यदि आप लेप्रोसी की बीमारी हो गई, आपको कुष्ठ रोग हो गया है, कन्फर्म जानना चाहते हैं, विशेष जानकारी करना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में बहुत बढ़िया से आपको जानकारी दिया जाएगा, ताकि कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो सके। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हमने जितने लक्षण हमने बताया था, उसमें एक आपको खास करके और लक्षण पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे चमड़ा यानी स्किन में, आपका स्किन जो है उसमें तो आपको कुछ खराबी तो दिखाई देगा ही, साथ साथ में कीड़े काटने के तरह, कीड़े रेंगने के तरह भी आपको बोध होगा। कीड़े काटने जैसा, कीड़े चलने जैसा आपको अनुभूति हो, तो समझ सकते हैं कि लेप्रोसी का लक्षण आप में आ गया है। कम से कम 10-11 इसका सिम्टम है, यदि आप जान लेते हैं तो आपको कुष्ठ रोग को पहचानना और इसका इलाज करना बिल्कुल सरल हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले यदि आपको लक्षण दिखाई देगा, तभी आप डॉक्टर के पास आएंगे। कई लोग समझते नहीं हैं कि उन्हें इतनी गंभीर बीमारी पकड़ चुकी है, उन्हें मालूम नहीं रहता है, तो सबसे पहले आपको जानकारी देना अच्छा लगता है। कई लोगों का ये लेप्रोसी बहुत दिनों से था, वो जगह जगह पर इलाज कराते थे और बड़े बड़े अस्पताल में भी जाने के बाद में मालूम नहीं चल पाता था कि उनको लेप्रोसी की बीमारी है। चूँकि रोगियों की संख्या काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और हर अस्पताल में लेप्रोसी का अनुभवी डॉक्टर यदि आपको नहीं मिल पाते हैं, तो उस समय में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर ही है हर बीमारी पर, सब डॉक्टर की अच्छी पकड़ हो, अच्छा नॉलेज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जिन्हें इस रोग के बारे में अनुभव है, वो तो तुरंत आपके बारे में तुरंत बता देंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि चमड़ा का कलर देखकर, रंग देखकर, उसके प्रतिक्रिया को देखकर आप भली बात ही समझ सकते हैं कि लेप्रोसी इस मरीज को हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि स्वयं का आप जांच करना चाहते हैं, तभी भी आपको मालूम चल जाएगा लेप्रोसी, ये कुष्ठ रोग जो है, एक गंभीर विषय है और एक गंभीर बीमारी है। ये पूरे दुनिया के लिए आज भी सिर दर्द बना हुआ है। पूरे दुनिया में WHO से लेकर पूरे विश्व में कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं, यानी ये समस्या एक भारत का ही नहीं, एक राज्य का ही नहीं, गांव का ही नहीं, पूरे विश्व का ये प्रॉब्लम है। यानी ग्लोबल आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, यानी ग्लोबल यानी विश्व का आप इसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है। हमने आपको बताया है कि साधारण से साधारण व्यक्ति, पढ़ा से पढ़ा, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हमारा वीडियो देखने के बाद में लेप्रोसी के बारे में इतना पक्का अपना नॉलेज रख पाएंगे कि कभी भी किसी भी मरीज का वो जिंदगी में यदि वो देख लें, तो आसानी से बता सकते हैं, कन्फर्म कि लेप्रोसी के मरीज हो चुके हैं आप। कई सरकारी अस्पताल में हमारे भाई बहन ने गए थे इलाज कराने के लिए, तो उनका प्रारंभिक सिम्टम यही आता था कि उनको झुनझुनी था, यानी झंझनाहट था और बहुत हल्का सुन रहता था। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि पूरा शरीर में जब होगा, तभी हम MDT का दवा हम चलाएंगे। इतने लक्षण हमारे लिए ये
आपके लिए पर्याप्त नहीं है और इसमें स्किन स्मियर टेस्ट जो होता है निगेटिव आ गया है, ऐसे कंडीशन भी आपके साथ हो सकता है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी डॉक्टर को पकड़ में नहीं आता है आपका बीमारी, तो आप उसके लिए तो आप किसी डॉक्टर को तो दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दूसरे डॉक्टर आप चेंज करेंगे, और इसमें यदि एलोपैथ MDT से किसी का बीमारी लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ, तो इसमें भी आपका ऑप्शन बनता है कि डॉक्टर चेंज करे, पैथी चेंज करे। एलोपैथ से ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा के बारे में जाने, या आपका ढूंढना, दूसरे डॉक्टर ढूंढना आपका राइट है, अधिकार है। तो मार्केट में बहुत सारे अस्पताल हैं, डॉक्टर है, सरकारी है, प्राइवेट है, आपको देखना है कि आपके रोग के लिए सटीक डॉक्टर कौन है, ढूंढना आपका काम है। लाखों हजारों डॉक्टर हैं आपको, लेकिन सबके पास में लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी का अनुभव नहीं रहता है। ये मेरा शुरू से, हमारा बचपन भी इसी रोग को देखने में बीता। हमारे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी थे, बहुत अच्छा इलाज करते थे, बहुत भयंकर भयंकर मरीज आते थे और बहुत वो ठीक हो जाते थे। हमको भी खुशी लगती थी देखने में, कितना मरीज कैसा चेहरा काला सा आया हुआ है, डरावना सा, उसके बाद भी मरीज बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें आपको चमड़ा सुन होने लगे, चमड़ा सुन हो जाए तो सबसे पहले झुनझुनी, सुई चुभने जैसा आपको लगेगा बॉडी में, झुनझुनी हो, सुई चुभने जैसा आपको फील हो, काफ़ी कमजोरी और थकान आपको लगे, भयंकर कमजोरी आपको लगे, बहुत ज़्यादा वीक लगे और धूप बर्दाश्त न हो, तो इन सभी बातों को आपको गौर करनी चाहिए। सुन होने से पहले ही ये लक्षण आपको दिखाई देता है, और चमड़ा सुन हो जाए यदि आपको, तो कैसे आप टेस्ट करेंगे, यानी कि सेंसेशन नहीं रहना। सुन होने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको चमड़ा यहाँ पर है, अब यहाँ पर पीन, अल्पीन, चिट्टी, ये कुछ भी काट कर आप देख सकते हैं, हला कर देख सकते हैं। घर में 2-4 रुपया का कलम है, इसके नकीला हला कर देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आता है, यदि आपको सेंसेशन, यानी जैसे मुर्दा होता है, मान ली कोई बॉडी डेथ कर गया है, व्यक्ति मर गया है, कोई व्यक्ति मर गया है, और उसको आप जला रहे हैं, काट रहे हैं, या पिन हला रहे हैं, या उसे गाली दे रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आया कि आपको क्या कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से स्किन आपको यदि खराब हो जाए, यदि सुन हो जाए, यहाँ पर चमड़ा सुन हो जाए, तो आप यहाँ पर कलम हलाइए, पिन हलाइए, चिट्टी काटिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं, वहाँ पर जला भी दीजिए। कई लोग तो गुदना गुदा लेते हैं, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गुदना गुदाने से आपका चमड़े का बीमारी लेप्रोसी ठीक नहीं होगा। अब आते हैं, कई लोग का चमड़ा जो होता है बहुत खिंचाव रहता है, चमड़ा उनका टेंशन में रहता है, तो इसमें देखिए इस चालमोगरा ऑयल, ये बहुत सारा कंपनियाँ बनाती है चालमोगरा, आप देख सकते हैं चालमोगरा ऑयल, ये बहुत सारा कंपनी आपको बनाती है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, इसमें सस्ता महंगा सब होता है। ये खास करके ये लेप्रोसी के लिए है, यानी कुष्ठ रोग के लिए है, ये तेल खास करके कुष्ठ रोग के लिए है। बहुत सारे हमारे भाई बहन बोलते हैं कि ये जहाँ पर वो पता कर रहे हैं तो उन्हें मिल नहीं पाता है, क्योंकि मिलता तो होगा, होने चाहिए, लेकिन मेडिकल स्टोर को खोजना भी आसान नहीं रह गया है। तो आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी चालमोगरा का तेल नहीं मिल पा रहा है, यानी दुनिया भर का ठीक नहीं हो रहा है MDT से, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको क्यों ना हो कुष्ठ रोग संबंधी, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। ये हमने व्हाट्सएप नंबर, ये आपको हमने पेपर में भी इसका सारा हमने डिटेल्स भरने की कोशिश की है,
कुष्ठ संबंधी ये जितना लक्षण है ये सब हमने इसमें दिया है। लक्षण हमने इसको आप अलग से मंगा सकते हैं जानकारी के लिए, ऐसे हम स्टेटस पर लगाकर आपको दिखा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा इसमें जानकारी है, आप देख सकते हैं, इसमें जानकारी आपको दिया गया है। और इसका डिटेल्स इसमें है, ये तीन पढ़ना पड़ता है, इसमें क्या खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, कौन सा साबुन तेल लगानी चाहिए, पूरा इसमें विस्तृत है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी जो हैं उनका हम ये बीमारी को सेक्रेट रखा जाता है, किसी से शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि रोगी के अनुसार चलना है। रोगी बताते भी हैं कि हमारा इलाज चले तो सर मालूम नहीं होने चाहिए, तो इसको चीज़ इसके लिए आप चिंता न करें, खुद हम लोग ऐसा करते हैं, पूर्ण रूप से इसकी जानकारी गोपनीय रखा जाता है, किसी का यहाँ पर जानकारी लीक नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, यदि चमड़ा सुन हो जाए तो सबसे पहले ये लेप्रोसी का लक्षण है, कुष्ठ रोग का लक्षण है, तो इसमें आपको हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, किसी भी फार्मेसी से किसी भी डॉक्टर के सलाह से। और एक बार मैं स्पष्ट कर दूं, कई लोग इसी को बहुत दिनों तक खाने लगते हैं, बोलते हैं सर तो बहुत दिन खाना है, कितने दिन खाना है, इसे आप केवल रोकथाम के लिए है, इसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं एक दवा से, लेप्रोसी लक्षण के अनुसार आपका इलाज चलता है। इसमें MDT का दवा चलेगा तो आपको उसका साइड इफेक्ट आँखों से कम दिखाई देना, दस्त, उल्टी जैसा मन, जोंडिस, पेशाब में जलन, चक्कर आना, शरीर का काला होना, MDT का ये लक्षण है। MDT का यानी क्या, ये साइड इफेक्ट है। और आँखों से कम दिखाई दे तो पपीता, पपाया आप इसका यूज करें 2 माह तक सब्जी के रूप में, या आप जैसे भी उसका सेवन कर सके, आँखों की रोशनी आपकी लौटने लगती है, आँखों का जो पलक है ये गिरना बंद हो जाता है, मुंह का टेढ़ा होना, उंगली का टेढ़ा होना ये देखा जाता है, पैर से चप्पल का निकल जाना, नाखून खराब होना, एक एक नाखून ये आपको धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। जहाँ पर मान लीजिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है और यहाँ का स्किन है, मान लीजिए चमड़ा सुन हो गया है, कलर बदला है, और दही के छाली के तरह मोटा चमड़ा, भैंस के चमड़े के समान, हाथी के चमड़े के समान मोटा हो जाए, वहाँ पर पसीना आना, केस जो होता है झड़ जाते हैं, अब ट्रीटमेंट से उनका भी रोगी का नंबर अब हमारे पास सुरक्षित हो चुका है, रख लिया गया है, उनका केस भी धीरे धीरे वापस आने लगा होम्योपैथिक इलाज से। किसी भी तरह का आपको यदि सलाह चाहिए लेप्रोसी संबंधी आपको, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर हम अपने भाई बहनों के लिए जारी करते हैं, कलम लेकर रखिएगा, कई लोग नोट नहीं कर पाते हैं तो कलम लेकर आप निकाल कर रखिए, हम अभी फिर से एक बार बोल देते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। कई भाई बहन हमारा नंबर, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, भूल जाते हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से जब भी भूल जाए आकर अपना ये जो कुछ आपको जानकारी है लेप्रोसी संबंधी जानकारी है, तो फिर उसे आप देखना शुरू करिएगा, लेप्रोसी पर जाकर यूट्यूब में टाइप करिएगा तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसमें ये चालमोगरा, तो ये आपको जो है बाबची वायल ये है सफ़ेद दाग के लिए, तो ये अलग अलग है, आप ध्यान रखें कि इसका प्रयोग
नहीं करना है, इसका प्रयोग न करें। प्रयोग करना है किसका है? इसका। ये चौल मोगरा जो भी पढ़ सके, यही स्पेलिंग है। आप चल मोगरा बोलता है कोई, चौल मोगरा बोलता है, कुछ भी बोलें, दवा आप देख सकते हैं। और ये आपको सफ़ेद दाग के लिए प्रयोग होता है, इसका प्रयोग अलग होता है। ये आपको लेनी है जो कुष्ठ रोगी हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं उनको ये नाम का दवा आपको लेनी है। और इसमें साबुन, साबुन जो होता है आपको कौन सी प्रयोग करनी चाहिए, बराबर आप लोगों के दिमाग में रहता होगा। ये साबुन है ग्लिसरीन युक्त, ये होम्योपैथिक स्टोर पर कहीं पर भी आप इसको ये सब लगभग मिल जाता है। सिल्क एंड स्टे नाम है। अगर ये नहीं मिलता है तो कोई भी साबुन पियर्स इस पार से जो उस पार दिखाई दे, जो इस पार से उस पार जो दिखाई दे, वही पियर्स साबुन लगाने से ही आपको ये बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और त्वचा का रूखापन जो है ख़त्म करता है। कई लोग कॉस्मेटिक जो होता है जिसमें कास्टिक बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि त्वचा को काफ़ी नुकसान कर देता है। तो ये हाथ पांव को, उंगली को टेढ़ा कर देगा, पुराना पड़ जाने पर घाव हो जाता है, नाखून गिरने लगता है, घाव जो हो जाएगा हाथ पांव के उंगली में जल्दी ठीक नहीं होता है, आगे बढ़ने पर सांस लेने में दिक्कत, उल्टी होना और ये पेट की खराबी यानी पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना आपको ये हो सकता है। किसी किसी को चक्कर आना भी होता है, किसी किसी मरीज को ब्लड प्रेशर और शुगर भी रहता है। विभिन्न तरह का मरीज है तो आपको जरूर इस विषय में सतर्क होनी चाहिए और CBC का भी आपको टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि खून का कमी अक्सर लेप्रोसी के मरीज में देखा जाता है। प्लेटलेट्स का घटते हुए देखा गया है, तो प्लेटलेट्स घटे नहीं, खून कम न हो, इसलिए आप और विटामिन सी का कमी, माल न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन पोषक तत्व की कमी के कारण, यानी बढ़िया खाना, बढ़िया भोजन करनी चाहिए जो कि सेहत को स्ट्रॉन्ग करे, आपको काफ़ी मजबूत कर दे, जो आपको मजबूत कर दे वो भोजन आपको लेनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का खाना में कोई परहेज नहीं है, मछली, अंडा, मांस, शाकाहारी, मांसाहारी कोई भी भोजन आप ले सकते हैं, शाकाहारी ज़्यादा बेटर रहेगा, मांसाहार का सेवन कम करनी चाहिए। और सलाद है, हरा सब्जी है, काजू है, किशमिश है, यानी हर तरह का भोजन जो बेहतर से बेहतर हो सके वो आपको लेनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का झाड़ फूँक ओझा गुनी से बचे आप, गंभीरता को समझें। ये लंबे समय तक इसका देख रेख में आपको इलाज करनी पड़ती है। और MDT से आप संतुष्ट नहीं है, किसी भी तरह का ऑपरेशन न कराएं, किसी भी तरह का ऑपरेशन न कराएं, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने का खतरा रहता है। और सबसे खास बात है कि स्मरण शक्ति, मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगता है और शरीर जो होता है बूढ़े की तरह होने लगता है। ये सब लक्षण है। कई मेरा वीडियो देखेंगे, हर अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ अलग जानकारी होता है। बस आज की खास वीडियो में इतना ही। यदि 100% यदि आप लेप्रोसी को ठीक करना चाहते हैं तो जानकारी आपको रखिए, जानकारी ही आपको ये रोग से आपको छुटकारा दिलाएगा। थोड़ा सा भी आपका कॉन्फिडेंस इधर उधर होगा तो आप फेरे में पड़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं MDT खा कर देख लेते हैं, उससे नहीं ठीक होगा तब हम होम्योपैथिक दवा खाएंगे। हमने बार बार कहा है कि MDT से लेप्रोसी को केवल नियंत्रण आप रख सकते हैं, उसे ठीक नहीं होगा। साइड इफेक्ट कितने रहते हैं, जड़ से ठीक करने के लिए ही तो होम्योपैथिक दवा का निर्माण किया गया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने अगल बगल पड़ोस में। और इस तरह से लेप्रोसी पर अब कन्फ्यूज, किसी भी तरह के कोई भी मरीज अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा हमारा वीडियो देखने के बाद में। शून्य के आधार पर ही लेप्रोसी है नहीं है तय किया जाता है। पूरा दुनिया में कहीं भी चले जाइएगा तो लेप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए MDT ही दवा मिलता है। ठीक हो या बीमारी या ना हो, यदि आपको ठीक नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं है, तो आप बेशक होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए, आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाएगा।
हमें आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।